यूट्यूब के जरिए मैच देख रहे हैं। पहली गेंद की यहाँ पर अच्छा शॉट खेला है, पावर प्ले का मुकाबला है पहला ओवर। पहली गेंद पर पहली बाउंड्री लेने में यहाँ पर कामयाब रहे महार के बल्लेबाज गग्गा। काफी अच्छा शॉट, दिमागी शॉट यहां पर खेला, पॉइंट के ऊपर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। अच्छा अदब देना होगा यहां पर महार को अगर अपना समावेश आगे के मुकाबले में करवाना है तो। पहली गेंद पर बाउंड्री लाइन में कामयाब, लूज गेंद थी, अंपायर का इशारा, नो बॉल भी है, काफी खराब गेंद थी यहां पर। और इस गेंद पर एक रन एक्स्ट्रा नो की सूरत में आएंगे, बढ़ता हुआ स्कोर पांच रन। एक गेंद हो चुकी है, अब भी इस इनिंग की 17 गेंदें बाकी, स्कोर है पांच रन। परीक्षित की दूसरी गेंद थी लेकिन वो नो की सूरत में थी, अब फ्री हिट यहां पर रहेगी गग्गा के लिए। देखते हैं गग्गा कितना फायदा उठाने में कामयाब होते हैं। पटकी हुई गेंद थी, बेहतरीन शॉट, क्या पुल किया वहां पर, अंपायर का इशारा, ए लाइनमैन बच्चे काम अंजाम दे अपना, अंपायर का इशारा, छह रन, बेहतरीन पुल किया यहां पर गग्गा ने, पूरा फायदा उठाया पावर प्ले की ओवर में इस फ्री हिट का और सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दी गेंद को छह रन के लिए। प्रीक्षित की तीसरी गेंद गग्गा के लिए, अच्छी गेंद की यहां पर, अच्छा शॉट खेला, डिफेंस किया, एक रन आसानी के साथ दौड़ कर निकाला, बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बगैर कोई विकेट गवाए। तीन गेंदे हो चुकी है, अब भी पहले ओवर की तीन गेंदे बाकी। हमारे गांव के मुजम्मिल मौलाना जो कि इमाम है और सिकंदर मौलाना, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी गेंद की यहां पर, समझ नहीं सके और अपना विकेट गवा बैठे यहां पर। पहली गेंद पर राहुल जो कि सलामी बल्लेबाज थे महार की तरफ से, और अपना विकेट गवाकर पवेलियन की तरफ वापस, अब उनकी जगह संभालने आ रहे राहुल की जगह संभालने आ रहे रोहित देसाई। हमें उवेश बता रहे जो कि स्कोर का काम यहां पर अंजाम दे रहे हैं कि एक गेंद में उन्होंने 13 रन अपने नाम करवाए थे टाइगर ग्रुप में। यूं समझिए कि बहुत ही जाराना बल्लेबाज है बानकोट की इस ग्राउंड पर अपना गेम दिखाने के लिए यहां पर आए। अब 14 गेंदे बाकी है इस इनिंग की, देखते हैं 14 गेंदों में अपनी टीम को कितना हदफ देने में कामयाब होते हैं रोहित। चौथी गेंद पर प्रक्षित ने विकेट लिया, क्लीन बोल किया, समझ नहीं सके, अपना विकेट गवाकर राहुल पवेलियन की तरफ वापस। चार गेंदे हो चुकी है, रुका हुआ स्कोर 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर। जितने भी बच्चे यहां पर कमेंट्री बॉक्स के सामने बैठे हुए हैं बराए करम सिर्फ रोमांच न ले बल्कि लाइनमैन का भी काम अंजाम दे। जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे जितने भी है, बड़े बच्चे जो भी है जो खेलते हैं, उनसे यही गुजारिश करेंगे कि लाइनमैन का काम अंजाम दे। पांचवी गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, फेस पर उनके गेंद पटकी, गालिबन लगा है उन्हें यहां पर रोहित को, पानी लेकर जा रहे हैं यहां से अता प्रकार। पांच सात मिनट पहले हमने जिनका जिक्र किया था, हमारे गांव के खतीब व इमाम जामा मस्जिद बानकोट हाफिज शकील साहब उख्तारी जो के ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, हम उनका मैनेजमेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन इमाम साहब, यूट्यूब के जरिए नाजरीन देख रहे हैं कि इमाम साहब की आमद यहाँ पर हो रही है, हम उनका तहे दिल से, यकीनन तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपना कीमती वक्त, बल्कि उन्होंने अपनी नींद कुर्बान की यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। दोपहर में सोना उनके लिए यूं समझिए कि जरूरी होता है, लेकिन इतनी कुर्बानी देकर यहाँ पर ग्राउंड पर आ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसके
बात जो कमेंट्री का भी काम अंजाम दे रहे हैं, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं, यकीनन काफी अच्छी करते हैं। इसके बारे में अब जो गेम शुरू होगा इंशाल्लाह उसकी कमेंट्री शायकीन और नाजरीन सुनेंगे उन्हीं की जबानी। रियाज भाई अनवारे भी यहां पर आगमन हो चुका है ग्राउंड पर। मकबूल भाई के दोस्त मकबूल भाई ने हमें याद दिलाया, मकबूल भाई नाड़कर, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहली गेंद खेलने की कोशिश की थी रोहित ने, लेकिन फेस पर आकर पटकी गेंद, उन्हें फेस पर लगा है इसलिए जिस वजह से थोड़ा गेम रुकाया गया है। चंद ही मिनटों में ये गेम इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा। इसके बाद होने वाला मुकाबला आरावी और अफजल इलेवन मानगांव, अफजल अव्वल मानगांव, इसके बाद होने वाला मुकाबला। रोहित जो कि इंजर्ड होकर पवेलियन की तरफ वापस आ रहे हैं, अब उनकी जगह संभालने जाएंगे नए बल्लेबाज इमाम साहब। पांच गेंदे हुई है, स्कोर रुका हुआ 12 रन, जो कि एक बाउंड्री एक सिक्सर लेने में कामयाब हुए थे। यहां पर गग्गा अच्छी बल्लेबाजी की थी यहां पर गग्गा ने। अब गग्गा नॉन स्ट्राइक पर है, पांच गेंदे हुई है, स्कोर है 12 एक विकेट के नुकसान पर। रोहित इंजर्ड होकर वापस आए, अब उनकी जगह संभालने जा रहे वैभव। जैद भाई परकार जो कि फॉरेन से शिप पर से इस टूर्नामेंट को उन्होंने वहीं से ऑर्गेनाइज किया था, आखिरकार चौथे दिन फाइनल डे यहां पर मौजूद हुए, यहां पर अपना वक्त निकाल कर यहां पर पहुंच गए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिरी गेंद है पावर प्ले की, स्कोर है 12। प्रक्षित की आखिरी गेंद, पांच गेंदे हो चुके, पांच, स्कोर है 12 एक विकेट के नुकसान पर। ध्यान दे आप लोग भी ध्यान दे, पांच गेंदे हो चुके, स्कोर है 12, मुसलसल कह भी रहे यहां पर। आखिरी गेंद खराब गेंद, काफी खराब गेंद, वाइट की सूरत में गेंद गई, एक रन दौड़कर निकाला, एक वाइट की सूरत में रन मिलेगा, बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। इस मैच को, इस टूर्नामेंट के आज के चौथे दिन में हमारे साथ जुड़े हुए दुबई से मैच को देख रहे हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। या शौकत डिमडिमकर की भी आमद हो चुकी है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्रिकेट के ऊपर
मोहब्बत रखने वाले और खिलाड़ियों के ऊपर इनामत लगाने वाली शख्सियत रियाज टेलर भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत। चलो मैच की तरफ, गौरव बोरकर बॉलिंग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट से, ये देखिए स्लोवर वन फंसाया था, धीमी गति की गेंद, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई, गग्गा को बीट करती हुई डॉट बॉल। एक तरफ सोमदाई साई कृपा श्रीवर्धन और दूसरी तरफ देखा जाए तो महाड़ अफजल 11 महाड़ और दूसरी तरफ, और आज फिर एक बार हमें भारत खेलते हुए नजर आएंगे। जो पिछले हाल ही में जो टूर्नामेंट हुई उस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से नवाजा गया था, चूंकि मानगांव में टूर्नामेंट हुई थी और उस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था भारत ने। फिर एक बार मकसूद उंडरे, शौकत डिमडिमकर, इन तमाम शख्सियतों का तहे दिल से स्वागत। फिर एक बार देखिए फुल टॉस गेंद, खेल दिया है उसे डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में, एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 16 पर 16। स्कोर कार्ड की अगर बात करूं तो टीम का स्कोर 16। बाबू परकार, हुसैन मियां परकार, आप दोनों का स्वागत है। मैच की तरफ रुक करते हैं, यहाँ पर मानगांव की यहाँ पर टीम आ चुकी है, मानगांव की टीम के खिलाड़ियों का स्वागत है। लेकिन इस बार गेंद चली 6 रन के लिए, ठोक डाला ये सिक्सर, तान दिया हवा में और गेंद चली सजना साजन के घर 6 रन। देखिए खड़े खड़े खेल दिया था शॉर्टम, पुल पावरफुल हो गया और सक्सेसफुल, सीधी गेंद 6 रन और इस 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 22 रन पर। गौरव बोरकर फिर एक बार अपनी गेंदबाजी को सुधारने के लिए बॉलिंग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट से, देखना इस बार क्या होता है। फिर एक बार फुल टॉस, ये देखिए दे दिया घी का लड्डू, कहां छोड़ने वाले थे, फिर एक बार तैन दिया गेंद को, हवा में गेंद चली 6 रन के लिए। शुएब परदेसी आपका भी स्वागत है और मोहसिन नदाब भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और सुनील आपका भी स्वागत है, मानगांव के तमाम खिलाड़ी, शुभम यादव आपका भी स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गेंद थी ये फ्लाइटेड जिस तरीके से डिलीवरी थी लोअर फुलटॉस की, इस गेंद को, ये गेंद आप देख सकते हो देशमुख सर, इस गेंद पर अपील तो की गई थी लेकिन कुणाल बेनकर सर को पता था और अभय सर को पता था कि वो गेंद क्या थी, चूंकि फ्लाइटेड डिलीवरी थी और 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29। टीम का स्कोर 29। मुख्तियार परकर भी हमारे बीच आए हुए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, जहां पर देख सकते हो बल्लेबाज ने अपने बल्ले को खोला और गेंद चली है डीप कवर के क्षेत्र में, जब तक वहां पर फील्डर पहुंचता तब तक तो दिन दहाड़े बिल्कुल 1 बज के 1 नहीं बल्कि 3 बज चुके हैं, घड़ी में 3 बज चुके हैं और तेजी के साथ 2 रन की चोरी कर ली। दोपहर के 17 में कड़ी धूप में मुकाबला चल रहा है लेकिन देशमुख सर दिन दहाड़े 2 रन की, बल्लेबाजों ने 2 रन की चोरी कर ली और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 31। 2 ओवरों का खेल यहां पर खत्म हो गया, पहली ओवर में आए 15 और दूसरी ओवर की बात करूं तो दूसरी ओवर में आए 16 रन। ये ही अगर करंट रन रेट चलता रहा तो हमें प्रोजेक्टिंग स्कोर बिल्कुल इसी गति से अगर बढ़ती रही तो 60 तक 55 तक तो भी स्कोर देखने मिल सकता है। मुकाबले की तरफ ले चलते हैं, आप देख रहे हो बानकोट क्रिकेट क्लब यूनिटी ट्रॉफी, 7 मोहल्लों को मिलाने वाली टूर्नामेंट आपके सामने पेश की जा रही है, सिर्फ 7 मोहल्लों को नहीं रत्नागिरी और रायगढ़ को मिलाने वाली टूर्नामेंट, चूंकि अगर खाड़ी के उस पार जाओ तो बागमांडला और खाड़ी के इस तरफ आओ तो बानकोट, 2 जिलों को मिलाने वाली टूर्नामेंट आपके सामने यूनिटी ट्रॉफी। और यही तो देशमुख सर इस टूर्नामेंट का टाइटल, आपको समझ में आ रहा है कि यूनिटी क्या होती है यूनिटी, और आज फिर एक बार क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी ये हमें आज इस टूर्नामेंट के जरिए देखने मिला है। फिर एक बार देखिए राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद काफी हद तक बाहर चली गई, कुणाल सर का इशारा वाइट का, गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए और इसी की वजह से अतिरिक्त रन भी मिल गया देशमुख सर, टीम का स्कोर हो चुका है 32, 32 रन।
इरफान मिरकर की भी आमद हो चुकी है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब्दुल कादिर मुकरी आपका भी स्वागत है। देखिए टूर्नामेंट बोलना बहुत आसान है लेकिन रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कमेंट्स तो हर कोई करता है लेकिन कभी मैदान में उतर के देखो फिर समझेगा। ये देखिए वाइड गेन, जहाँ इसके बारे में मैं जरूर जिक्र करूंगा, मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूँ। इस बार ये गेंदबाज को वार्निंग मिली है क्योंकि लाइव चैट जब मैंने देखा तब उस पर किसी ने कमेंट किया था, उसके बारे में मैं भी जरूर कुछ कहूंगा। मुकाबले की तरफ आते टीम का स्कोर 33, चर्चा जारी रहेगी। एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ, महाड़ बनाम दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से श्रीवर्धन दो तालुके के बीच में यह मुकाबला और तान दिया, फिर एक बार लपटा हुआ शॉट, सीधी 6 रनों के लिए शॉट अंपुल कर दिया है। पुल पावरफुल था, शानदार जानदार सिक्सर षटकार। इस सिक्स के साथ टीम का स्कोर तीदी के साथ ट्रेवल होता हुआ 39 रनों पर, स्कोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, स्कोर जिस गति से बढ़ रहा है। और फिर एक बार देखिए ऑन साइड रीजन में काउ कॉर्नर के फील्डर के ऊपर से गेंद वन बॉम्ब करती हुई सीधी 4 रनों के लिए। जी हाँ, कमाल की शुरुआत, धमाल की शुरुआत। देशमुख सर बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आप देख रहे हो मानकोट क्रिकेट क्लब यूनिटी ट्रॉफी, चौथा दिन संडे सुपर संडे बन रहा है और टीम का स्कोर तेजी के साथ अफजल 11, महार का 43, 43 रन। वैभव स्ट्राइक पर 6 गेंदों में 23 पर खेल रहे ओवर द विकेट से, फिर एक बार गेंद देखिए मानो ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम चल रहा है, लो लेवल चल रही है और बैट्समैन धमाकेदार शुरुआत करते हुए हर गेंद पर बड़ा हिट लगा रहा है। अमृत बोरकर की गेंद पर इतनी कड़क बल्लेबाजी, कड़कती हुई धूप में कड़क बेधड़क बल्लेबाजी चल रही है, ना देखा जा रहा है आगे ना देखा जा रहा है पीछे, बस यही सोचा जा रहा है कि जिस तरीके से रोहित का तो इंजर्ड होने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा लेकिन उनकी जगह मैं हासिल करने के बाद क्या कर सकता हूं। टीम का स्कोर इस सिक्सर की मदद से जा पहुंचा 49 रन पर। फिर एक बार देखिए इस बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश की लेकिन एफर्ट अच्छा और हर्ष ने पकड़ लिया है कैच, बैट्समैन को जाना पड़ेगा वापस। वैभव के पारी का अंत, 7 गेंदों में 23 रनों की पारी, 8 गेंदों में 23 रनों की पारी, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए अफजल 11 महार के इस। माफ करना स्कोरर बताते हुए कि 8 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर वापस लौटे और उसमें 4 सिक्स थे। या अब नए बल्लेबाज आप देख सकते हो दिलीप, दिलीप को ये गेंद अंपायर का इशारा नो बॉल क्योंकि एक ही ओवर में आप दो बॉम्ब्स नहीं कर सकते। कहते ना देशमुख सर, सराव करो तो डांसर और गेंदबाजी में उछल लो तो बॉम्सर, ये दूसरी बॉम्सर थी इसीलिए अंपायर ने उन्हें पनिश कर दिया क्योंकि अंपायर जो कि आपके सामने नजर आ रहे हैं ये ऐसे वैसे अंपायर नहीं है, जेपी पैनल के अंपायर है चूंकि ये महाराष्ट्र में अव्वल दर्जे का पैनल समझा जाता है, जिस पैनल से 60 अबो। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, टीम का स्कोर हो चुका है 9 की वजह से 50 रन और अब यहां से देखना है कि फ्री हिट की गेंद पर क्या करते हैं दिलीप। दिलीप ने खेल दिया फिर एक बार बैकफुट पर जाकर और ये कैच अगर हो भी जाता तो फ्री हिट की गेंद थी लेकिन रन भी आ गया। इस एक के साथ अफजल 11 महाड़ के टीम का स्कोर हो चुका है 51। आज हम योगेश पेनकर की कमी को मिस कर, जिस तरीके से योगेश पेनकर को मिस कर रहे हैं कमी कलक रही है लेकिन उसके न रहते हुए भी क्या दिलीप बल्लेबाजी कर सकते, क्या गगा बल्लेबाजी कर सकते, क्या वैभव क्या कर सकते हैं ये उन्होंने साबित किया। ये देखिए फिर एक बार नो बॉल, एक ही ओवर में हमें लगातार सबसे बड़ी ओवर इस टूर्नामेंट की देखने मिली है। अब तक की 3 दिनों में
हमें इतना बड़ा ओवर नहीं देखने मिला था, लेकिन आज के चौथे दिन में हमें 9 गेंदों का ओवर देखने मिला है। पता नहीं और कितने गेंदे होंगे। और ये देखिए प्रीत की गेंद पर फिर एक बार हुक शॉट खेल दिया है, गेंद चली लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, 1 बॉम्ब 2 बॉम्ब्स। जब तक फील्डर पहुंचता तब तक तो कुणाल सर ने हरकत में बरकत दे दी 4 रन की। और इन 4 रनों के साथ स्कोर की बात करूं तो 3 ओवर के खेल के बाद अफजल 11 मार के टीम का स्कोर जा पहुंचा 56। अब यहां से 18 गेंदों में 57 रनों का पीछा करना पड़ेगा। अब तक 56, नाना पाटेकर की फिल्म का यह आंकड़ा आ गया, 57 रनों का पीछा करना है। अगले मैच के टॉस के लिए आना है मैरिन 11 आरावी, अफजल अव्वल मानगांव, दोनों टीम के कैप्टन। चलो टॉस के लिए आ जाओ। देखिए हाशिम असवरे जो दुबई से मैच को देख रहे हैं, आज चुके संडे सुपर संडे बन रहा है, तो वो भी इस मैच को देखते हुए बहुत खुश हुए और उन्होंने यूनिटी ट्रॉफी के तमाम ऑर्गेनाइजरों को मुबारकबाद दिए कि उन्हें बेहद खुशी भी बानकोट जैसे गांव में इस तरीके का आयोजन। क्योंकि इस टूर्नामेंट की खास बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल, और पूरे 2 जिलों की अगर बात की जाए वजाद भाई, रत्नागिरी जिला और रायगढ़ जिला, तो रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में मैं तो कहता हूँ मैंने जहां तक काम किया हूँ पहली मर्तबा गोल्ड कॉइन देखने मिल रहा है बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। महबूब शेख और अब्दुल मजीद ठाके, इन दोनों शख्सियतों का तहे दिल से स्वागत है। मसूद मौलाना आपका भी स्वागत है। मैं बानकोट जामा मस्जिद के शकील उख्तारी साहब आपसे गुजारिश करूंगा मौलाना, क्या आपके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया जाए, क्योंकि मैच बड़ा है और बड़े मंच के खिलाड़ी फिर एक बार मैच के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और देखिए ये जेपी पैनल के दोनों अंपायर सुमित देशमुख और कुणाल पेनकर की अब जगह संभालेंगे। अब पाटोले सर ग्राम पंचायत से प्रशांत जाधव सुद्धा आले, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। ग्राम पंचायत चे प्रशांत जाधव टॉस के लिए आ जाओ, टॉस के लिए आ जाओ, दोनों टीम के कैप्टन। माजी सदस्य रामा कदम यांचा सुद्धा सहर्ष स्वागत है। आदिल भाई आपका भी स्वागत है, बेस्ट बैट्समैन के अवार्ड से आपको नवाजा गया था और बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। आज हम उम्मीद करेंगे कि मानगांव की टीम पूरे एफर्ट के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी और एक अच्छा खेल खेलकर अपना नाम फिर एक बार इतिहास के पन्नों में छपाएगी। आज देखिए ये खिलाड़ी किस दर्जे पर पहुंच गया है, बहुत बड़ी बात है कि 10 PL में इस जैसे खिलाड़ी को मौका मिला। जो सूरत में इतनी बड़ी टूर्नामेंट हुई थी उस टूर्नामेंट के अंदर जो ये खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आया था, और आज चुके डिंगडोंग की टीम में इस खिलाड़ी को जिस तरीके से लिया गया एक बॉलर की हैसियत से, जी हाँ मैं कहता भी हूँ जैद भाई कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी ना कभी आना पड़ेगा उसे सहरे बाजार में। और अब देखना है कि बॉलर आ चुके हैं, मरता क्या नहीं करता विकेट टेकर की हैसियत से बॉलिंग पर जयेश खेरकर, एक रफ्तार का सौदागर महाड़ एक्सप्रेस, जिसकी गेंदबाजी में है स्विंग, जिसकी गेंदबाजी में है लेंथ लाइन, वही है बॉलिंग पर सवार। अब देखना है कौन बनता है इस खेल का राजा। सामने है गौरव बोरकर। ओ क्या बात है, पहली गेंद समर इन डिलीवरी बैट्समैन को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली गई। अतिरिक्त उछाल भी था बैकफुट पर जाकर उसे, जिस तरीके से अपर कट के लिए खेलना चाहते थे गौरव बोरकर, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में चली गई। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर देखा जाए तो मिड ऑफ काउ कॉर्नर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी है और शॉर्ट मिड विकेट, आहा स्विंग एंड मिस का या खिलाड़ूला 10 PL सर क्या मोट्या स्पर्धे मध्ये
जी मानाची स्पर्धा महाराष्ट्र मध्ये आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर ज्या पद्धतीने जे तुम्ही पाहता की अनेक अनेक स्टेट मधून खेळाडू खेळताना आम्हाला दिसले, एवढी मोठी स्पर्धेमध्ये का या गोलंदाजाची निवड झाली आणि डिंगडोंग सारख्या संघामध्ये याला का चान्स भेटलं आणि आज त्यांनी आपली छाप सोडलेली आहे। तो जयेश आज गोलंदाजी मार्ग वरती भन्नाट वेग ज्याच्या गोलंदाजी वरती प्रश्नच निर्माण होत नाही, कारण की तो प्रत्येक चेंडू मध्ये कुठे ना कुठे आपल्या संघासाठी कम बॅक करत असतो। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट से, ये देखिए इनसाइड आउट, क्या नजाकत भरा स्ट्रोक, गैप ढूंढा और गेंद चली गई सीधी, वन बॉम्ब्स फोर फोर फोर, मिलेंगे चार तभी तो होगा बेड़ा पार, चौकार, क्या स्ट्रोक मारा है, देखिए सजाया हुआ स्ट्रोक था, ये मिला नहीं है वैसे ये बनाया गया था, गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखा गया था, टप्पे का जायजा लिया और फिर उस पर वार किया। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए आ चुके संडे सुपर संडे का फायदा उठा रहे, बाइक मत लाइए ग्राउंड के अंदर, रुकिए जरा। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, जयेश फिर एक बार बॉलिंग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट से, हा चौका मारल्यानंतर काय कमबॅक केले बघा जयेशनी, कारण की ज्या पद्धतीने मी नेहमीच सांगत असतो की ज्या व्यक्तीच्या नाका तोंडात अपयशाचं पाणी जातो तो येणाऱ्या काळातच समुद्रावरती राज करतो। या गोलंदाजाने खूप कष्ट घेतलाय आणि दुसऱ्या बाजूला जो फलंदाज आहे त्यांनी सुद्धा या क्रिकेटसाठी खूप कष्ट घेतलाय, म्हणूनच काय या दोन्ही खेळाडूंची चर्चा नेहमीच होत असते। आज तेच दोन्ही फलंदाज दोन्ही खेळाडू आज या मैदानात दाखल झालेत, कोण कुणाच्यावरती सवार होतोय, कोण कुणाची क्लास घेतोय पहा, वाह क्या गेंदबाजी है, मानना पड़ेगा कमाल की गेंदबाजी, धमाल की गेंदबाजी, बैट्समैन के पूरे इरादों पर पानी फेर दिया जयेश ने। ओवर की समाप्ति, एक षटकाच्या समाप्तीनंतर काय गोलंदाजी, जर हायलाइटचा विचार केलात तर हायलाइट तुम्ही पाहाल की कशा प्रकारचं पहिलं षटक आम्हाला पाहायला भेटलं, काय गोलंदाजी केली, पहिला चेंडू गुडलेन स्पॉट वरून जो आदल ताडा दिसला, आणि उंचीच्या गाठीवरती त्यांनी गाठलेला आहे, स्वतःचं नाव मोठं करून दाखवलंय आणि तसंच गौरव बोरकर सुद्धा करू शकतो। 12 चेंडू मध्ये 53 धावांची गरज असताना आता 11 चेंडू आणि 53 धावा, परंतु गौरव बोरकर नॉन स्ट्राइक वरती आहे आणि स्ट्राइक वरती आलेला फलंदाज मोहसिन ज्याला स्ट्राइक भेटलेली आहे, पाहूया या मॅच मध्ये काय होणार। फिर एक बार स्लोवर वन, क्या बात है, यही तो गेंदबाज की कुछ खासियतें होती है कि वो बैक ऑफ द हैंड डाले गुडलेन स्पॉट पर। मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो फिर एक बार, ओहो हो क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉय और एक विकेट, तू चल मैं आया, इस तरीके से गाना बजता हुआ ग्राउंड के अंदर और देखते ही देखते साई कृपा सोमदाई 11 के थे, दो विकेटे जा चुके हैं, चार पर दो, ये अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन अफजल भाई जब इस मैच को देखेंगे
जिन्होंने हर वक्त टीम को लोगों के सामने लाया है और जिस तरीके से एज ए मेंटोर के रूप में रोल अदा किया है तो यकीनन खुश हो जाएंगे, क्योंकि जयेश का वो ओवर, क्योंकि जयेश हाल ही में 10PL में खेला, सूरत में जितनी बड़ी प्रतियोगिता में 10PL जैसी प्रतियोगिता में खेलकर आज यहां पर दाखिल हो गया। हम चर्चा करते हैं कृष्णा लक्ष्मण सातपुते की, बड़े बड़े खिलाड़ियों की, लेकिन इस बार देखिए फिर एक बार एज लगी और गेंद चली गई डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। दोनों ओवर में सिर्फ 4 रन, चौथी गेंद पर चौका हमें देखने मिला है। निहाल नाडकर, आपका तहे दिल से स्वागत है, आपसे गुजारिश रहेगी कि VIP डाइस पर आकर मैच को एंजॉय कीजिए। शकील मौलाना, क्या मैच बना हुआ है, देखिए ये मैच बिल्कुल एक तरफा झुकता हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि बैट्समैन का बॉल बाला होता है, बैट्समैन के हाथ में बल्ला होता है, उसके बल्ले बल्ले होते हैं, लेकिन जब गेंदबाज होता है तो उसे मौका नहीं मिलता है। कहते हैं ना, हर डबल क्रॉस धोखा होता है, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाए उसे चौका होता है और गेंदबाज के पास एक सुनहरा मौका होता है। ये यूनिटी ट्रॉफी ने मौका दिया है, इसीलिए तो गेंदबाज रंग लाए हैं। वाह, काय गोलंदाजी आताल तो है, परत एकदा निर्धाव चेंडू। क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेटरों में बल्लेबाजों का बोल वाला नहीं होता है, गेंदबाजों का भी बोल वाला होता है। इस बीच ये देखिए फिर एक बार स्विंग एंड मिस, वाह, परत एकदा गोलंदाज विचारतो है, मित्रा चेंडू कसा होता, सरल यष्टी रक्षकाच्या हातात निर्धाव चेंडूची घोषणा। इस्माइल उंडरे, मकसूद नाडकर, देखिए कड़कती हुई धूप में मैच को देखने के लिए, क्योंकि गांव का फेस्टिवल है, और रशीद मुकरी, इनकी भी आमद हो चुकी है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं यूनिटी ट्रॉफी में। निहाल नाडकर, आपका स्वागत है। देखिए दोनों ओवर सेम उसी तरीके से चार रन के ओवर रहे, और ये देखिए तीसरी ओवर लेकर आए आखिरी स्पेल लेकर दिलीप, देखिए क्रैम्प आ गया शायद, मुझे ऐसा लगता है कि पैर में मोच आ गई है। पानी लेकर जाइए प्लीज वहां पर फटाफट। ये देखिए ये क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट में कब क्या होगा, और आता देखिए पानी लेकर जा रहे हैं। आता आपके लिए यही कहूंगा कि जिसने प्यासे को पानी पिलाया उसने समंदर को भी नीचा दिखाया। या देखिए आप देख रहे हो यूनिटी ट्रॉफी पावर्ड बाय उमर मैंगोस, और उमर मैंगोस के इस टूर्नामेंट के लिए जो खास करके जो सपोर्ट किया है उमर मैंगोस के नई मनवरी एंड अलमर ओम नवा परकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने भी मेहमान VIP डाइस पर बैठे हैं उनके लिए एक ही बात कहता हूं, मकबूल नाडकर, साथ ही साथ हमारे जो शिव के इस गांव के जो दामाद है उनके ताल्लुक से हमारे शिरसी के, और हमारे मौलाना शकील उक्तारी साहब, ये जितने भी शख्सियतें बैठे इस स्टेज पर जिनका मैंने नाम लिया, जहीर भाई, साथ ही साथ शौकत भाई, ये जितनी भी शख्सियतें बैठे, इस्माइल उंडरे,
इनके लिए एक ही बात कहता हूँ, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के दबाव में जियो। ये अपनी जिंदगी है दोस्तों, जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। और ये स्वभाव जीना जीने के लिए आज इस टूर्नामेंट के अंदर तमाम लोगों को जोड़ा गया। देखिए अफजल 11 महाड़ की टीम को जिस तरीके से थोड़ा सा मानसिक तनाव है, क्योंकि उनके दो खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। और मैं तारीफ करूंगा वहां पर भारत की, जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए वहां पर नजर आए। चलो मैच की तरफ, जहां पर देख सकते हो आप, ये गेंद पर स्कोर की बात करूं, फिर एक बार बॉलिंग पर वैभव। वैभव की इस वाली गेंद पर देखिए, बिल्कुल लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था, आसानी के साथ कैच पकड़ लिया जयेश ने, बहुत ही अच्छा कैच। सचिन एलवे, त्यांचा सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे। अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन हम जिस तरीके से आज योगेश पेनकर को मिस कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा मिस कर रहे हैं हमारे अहमद धनसे, जो योगेश पेनकर के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। और इस बीच देखिए, उनके बैटिंग के दीवाने हैं या उनकी कैप्टनशिप के दीवाने हैं, मुकाबले को जीता है लगभग ऐसा हम कह सकते हैं। अभी तक ये मैच अब औपचारिकता बाकी बची है, क्योंकि गेंदबाज के लिए एक सुनहरा मौका, क्या हमें इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक बॉय देखने मिलेगा। पहला चुके नवीद थे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली है, और अब देखना है कि दूसरा हैट्रिक बॉय कौन मिलता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफियां नहीं है। इस टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर के लिए गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के। ओहो, क्या बात है, रायगढ़ और रत्नागिरी में पहली मर्तबा मैं टूर्नामेंट कर रहा हूं, जहां पर विलेज टू विलेज में पहली बार, और वो भी जय गणेश स्पोर्ट्स के सहायता से हमें ये देखने मिल रहा है। यूट्यूब के जरिए भी कुछ दर्शक देख रहे हैं। देखिए नासिर भाई परकार, नवाब भाई परकार के छोटे भाई, वो भी हमारे बीच आए हुए, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चूंकि इस टूर्नामेंट के लिए अलमरहूम नवाब परकार, इनकी तरफ से जो सपोर्ट और उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए उनके छोटे भाई आ चुके हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन ताउन। और इस टूर्नामेंट के लिए आज के चौथे दिन में देखिए, अफजल 11 महाड़ ने आसानी के साथ पहला मैच जीत लिया है, बहुत ही कमाल का मैच हुआ। देखिए हमारे बीच जिन जिन शख्सियतों का मैं नाम लेना जा रहा हूं, यूनिटी ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट के अंदर रियाज अनवारे, इनकी पेशकश में जहां एक शॉल दी जा रही है, मानाची शॉल त्यांना देऊन सन्मानित केलं जात आहे। त्याचबरोबर जमीर नाडकर यांना सुद्धा रिजवान पेवेकर यांच्या हस्ते शाल, मानाची शाल देऊन सन्मानित केलं जात आहे। रिजवान कादिर, हाँ रिजवान पेवेकर इनके हाथों से कादिर मुकरी, इनकी पेशकश में शॉल दी जा रही है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अगली वो शख्सियत, इस्माइल उंडरे, इस्माइल उंडरे